जय हिंद दोस्तों, क्रिकेट फंडस में आप सबका स्वागत है। आपका अपना चैनल क्रिकेट फंडस को आप सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगर आप क्रिकेट या आईपीएल के फैन हैं तो एक खबर आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ, आईपीएल को लेकर एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के सामने आई है। आईपीएल 2024 को लेकर एक बहुत ही बड़ी न्यूज ये है कि आईपीएल का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आईपीएल मार्च महीने की 22 तारीख से शुरू हो जाएगा और अप्रैल की 7 तारीख तक चलेगा। आईपीएल को दो फेजों में किया गया है, मार्च महीना की 22 तारीख से अप्रैल के 7 तारीख तक। आईपीएल में कुल दो फेज होगा, पहला फेज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईपीएल इंडिया में हो रहा है। पहले बोला जा रहा है कि आईपीएल इंडिया में नहीं होगा, इंडिया से बाहर होगा, साउथ अफ्रीका में होगा, क्योंकि इलेक्शन के चलते आईपीएल को बाहर करने का फैसला था, लेकिन बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया कि आईपीएल इंडिया में होगा। इसलिए आईपीएल का पहला फेज का अनाउंस हुआ है शेड्यूल। दूसरे फेज का अभी बाकी है, जब आएगा हम आपको बता देंगे, क्योंकि इलेक्शन के चलते ये फैसला लिया गया कि आईपीएल दो फेजों में किया जाएगा। और आईपीएल के पहला मैच आरसीबी वर्सेस सीएसके के साथ होगा चेन्नई के चेपक स्टेडियम में। आईपीएल में एक बहुत ही बड़ी बात यह है कि आईपीएल में दो मैच बहुत ही ज्यादा घमासान वाले मैच है। एक है जीटी और एमआई के बीच, जो जीटी और एमआई के बीच मैच खेला जाएगा, उसमें हार्दिक पांड्या और आशीष नायर का जोड़ी को जय और वीरू की जोड़ी कहा जाता है, लेकिन हार्दिक पांड्या ने जीटी छोड़ के एमआई में शामिल हो गया। इसलिए आशीष नायर और जीटी भी चाहेगा कि हर हालत में एमआई के खिलाफ अपना मैच जीते, और एमआई के खिलाड़ी इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया। इसलिए एमआई के खिलाड़ी भी हार्दिक पांड्या से खुश नहीं है, या एमआई के मैनेजमेंट से खुश नहीं है। दूसरे मैच जो है घमासान वाली वो है एलएसजी वर्सेस आरसीबी। जी हाँ, वो अप्रैल महीना की 2 तारीख को खेला जाएगा। एलएसजी वर्सेस आरसीबी का मैच वो बेंगलुरु स्टेडियम चिन्ना स्वामी में खेला जाएगा। वो मैच भी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करता है, इसलिए ज्यादा घमासान मचेगी। तो आपको कौन सा मैच का इंतजार है आप कमेंट पे जरूर बताएं, और आप कौन सा आईपीएल फ्रेंचाइजेस या टीम को सपोर्ट करता है आप कमेंट पे जरूर बताएं। दोस्तों, आप हमको इतना प्यार देता है इसलिए आपको धन्यवाद और शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, 2008 से आईपीएल हो रहा है, इसमें 5 बार ट्रॉफी जीता चेन्नई सुपर किंग्स और 5 बार जीता मुंबई इंडियंस ने, 1 बार राजस्थान, 1 बार डेक्कन चार्जर और 2 बार केकेआर ने ट्रॉफी जीता है, और 1 बार सनराइज हैदराबाद और 1 बार जीटी ने। लेकिन किंग्स 11 पंजाब जो अभी पंजाब किंग्स के नाम से जाना जाता है, या दिल्ली कैपिटल्स और एलएसजी और आरसीबी जो बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइजीज है, आरसीबी एक बार भी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत पाए। इस बार क्या आरसीबी ट्रॉफी जीत पाएगा आप कमेंट पे जरूर बताएं, और लखनऊ इस बार क्या आईपीएल ट्रॉफी जीत पाएगा आप कमेंट पे जरूर बताएं। अगर आप केएल राहुल विराट कोहली के फैन है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगे आप कॉमेंट पे जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। या दोस्तों, आपका अपना चैनल क्रिकेट फैंटेसी को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, आने वाले वीडियो हम कौन से टॉपिक पर बनाए आप कमेंट पर जरूर बताएं। आपका अपना चैनल क्रिकेट फंडस को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, आप देख रहे हैं क्रिकेट फंडस।